अब बुआ चाचा चाची सबसे निवेदन करना चाहेंगे दोनों हाथ जोड़ करके, खास तौर से महिलाओं से कि देखो अम्मा आजकल सही जमाना नहीं रहेगा, आजकल लौंडे पर कतई भरोसा मत कीजिएगा, आजकल के लौंडे बस सब लालची हो गए, खास तौर से बस 45 साल वाले 40 साल वाले, और कहा बताएं उम्र बढ़ती जाएगी तो बस अब कलेजे में आग सुलग जाएगी, लेकिन सावधान इंडिया की कहानी नहीं सुना रहे और न CIT की बस सब को स्क्रिप्ट आपको सुना रहे, ये मामला बस सब उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले का, जहां से वीरेंद्र तिवारी ने खबर भेजी कि देखो मैं देखो अपनी माता का अपहरण करने वाले लाल बाबू से मुलाकात हो गई, ये किसान नेता तो है बात साहब, लेकिन कहा अब इनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करेगी, मुकदमा दर्ज करेगी, और बस अब इनको कहा अगर बस चले तो जेलों भेज दे तो ठीक रहेगा, बस अब कोई अपनी माता का कैसे अपहरण कर सकता है, इन्होंने बस अपनी माता का अपहरण किया उसके बाद बस सब कहा झूठी रिपोर्ट लिखाने के लिए आए थे, पता था पुलिस के पास चीख चीख कर बोल रहे थे कि देखो हमारी माता का अपहरण हो गया, रिपोर्ट दर्ज की नहीं तो देही मांग लगा देंगे, और खुद सब अपनी माता को छोड़कर आए थे मथुरा पर, कहा बताए मैं सब आजकल दिमाग सही नहीं रहता। वैसे विनोद पांडे जी एडिशनल SPM है जिले के, सुनिए कहा बोले। देखिए लाल बाबू लोधी जो जामो क्षेत्र के रहने वाले हैं, इन्होंने थाने पे रिपोर्ट लिखाया कि मेरी माँ का अपहरण कर लिया गया है, गांव के कई लोगों के खिलाफ लिखाया है, इसमें पुलिस ने छानबीन किया तो सर्विलांस की मदद लिया और छानबीन किया तो ये पता लगा कि ये स्वयं 14 तारीख को अपनी माँ को लेकर मथुरा जय गुरुदेव के आश्रम में गए थे और वहाँ उन्होंने अपने स्वयं के हस्ताक्षर से वहाँ पर एडमिट कराया था और यहाँ पर आके इन्होंने दबाव बना के ये मुकदमा लिखाया और कहा कि नहीं बरामद होगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे, इस तरह से दबाव बना रहे थे, पुलिस ने छानबीन करके महिला को बरामद कर लिया है और लाने पे फिर उन्होंने सारी बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ जमीनी विवाद मेरा गांव में है और इसी वजह से मैंने अपनी माँ को गायब करा के वहाँ दाखिल करा के और ये FIR लिखवाया था। अब इसमें चूँकि इन्होंने गलत FIR लिखा है, इनके खिलाफ 182 की कार्रवाई की जा रही है। सुराग कैसे लगा पाई पुलिस, कैसे तक पहुंची? पुलिस ने देखा कि कहां का इनका मूवमेंट रहा, कैसे गए हैं, कहां गए हैं, पूछा करते तो पुलिस मथुरा तक पहुंच गई जहां ये जगदेव आश्रम में ये गए थे वहां पे इन्होंने। अब ऐसे लोग तो बस अब किसान यूनियन का नाम बदनाम करते हैं, वाकई में सब देख लो ना, तो सिर पर से टोपी हटाए हैं और ना झंडा हटाए, ऊपर से बस अपनी माँ को जाकर मथुरा छोड़कर आते हैं, अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस को गुमराह करते हैं। फिलहाल बस अब पुलिस इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और बुआ ताई मौसा मौसी फूफा फूफी और खासतौर से पोता पोती से निवेदन करना चाहेंगे कि देखो अपनी दादी को ये खबर जरूर दिखाना कि आजकल के लड़कों पर भरोसे जमाना नहीं रहा। फिलहाल हमारी बातों को सिर पर कतई मत लीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा, इस तरह की दमदार खबर मिलती रहेंगे आपको अमेठी के लिए वीरेंद्र तिवारी की प्यारा रिपोर्ट। खबर कैसी लगी यार कमेंट करके बताओ, इस तरह की शानदार खबरें दिखाते रहेंगे आपको।